दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम कार्यक्रम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं या मुद्दा है या परिचर्चा है उसमें जो हम खास बिंदु उठाने वाले हैं वो ये है कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय हमारे संविधान का मूल तत्व रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये तीनों शब्द लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय हमारे संविधान का मूल तत्व रहे हैं और इसी के आधार पर आज तक 70 सालों तक लगभग देश की सरकारें काम करती रही हैं। लेकिन जो पिछले जो 10 साल गुजरे और भाजपा सत्ता में रही और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, तो ऐसा लगा बहुत सारे बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, आम और खास लोगों को के लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और कथित राष्ट्रवाद और कट्टरता जैसे आमने सामने खड़े हो गए। उन दोनों में जैसे 10 साल से भिड़ंत होती रही है। लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव जो हुए और ये 10 साल का जो दौर सत्ता का गुजरा, तो उसमें ये ऐसे हालात रहे। लेकिन जो 2024 के चुनाव हुए, तो जो देश की जनता चुप बैठी थी और बड़ी बारीकी से सबको देख रही थी, पक्ष को भी और विपक्ष को भी, और मीडिया की उसमें क्या भूमिका चल रही थी, तो विपक्षी दलों के चाहते हुए भी ऐसा लग रहा था कि देश की सत्ता कट्टरवादी हाथों में चली गई है। कथित राष्ट्रवाद के नाम पर जो संविधान के मूल मंत्र थे उनसे हटकर ये सरकार काम कर रही है। लेकिन जब विपक्ष कुछ नहीं कर पाया, मीडिया ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई, या कांग्रेस भी बहुत कुछ नहीं कर सकी, तो कई बुद्धिजीवियों का ऐसा मानना है कि फिर देश की जनता ने चिंतन किया और उसको भी ऐसा लगा, देश के एक बहुत बड़े वर्ग को ऐसा लगा कि हाँ, जो हमारे संविधान का मूल तत्व है, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, उससे हटकर जो पिछले 10 सालों में काम हुआ है, शायद वो देश हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है। हमारे देश का जो माहौल रहा है राजनीति का, उसके हक में नहीं है। हमारा देश, हमारे देश की जनता उदारवादी रही है। हिंदू और हिंदुत्व, इसमें भी दीवार खड़ी कर दी गई, इसकी भी अलग परिभाषा कर दी गई। इस दौर में धर्म की भी अलग परिभाषा कर दी गई। तो इन हालातों में जो हम देख रहे हैं, 10 साल देखा और जो 2024 के चुनावों में हमने बदलाव देखा, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज हमारे बीच में हैं वरिष्ठ पत्रकार जेवी शर्मा जी, जो हमने कुछ मुद्दे रखे हैं, कुछ पॉइंट रखे हैं, उसको वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जेवी शर्मा जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। आपके तो जो मैंने मुद्दे रखे हैं, आप इनको किस तरीके से लेते हैं, या देश की जनता की भूमिका क्या रही है, और पिछले 10 साल जो गुजरे वो कैसे रहे, और उसको आप किस तरीके से देखते हैं?
वो कितने देश हित में थे या देश के। धन्यवाद गौतम जी, शुक्रिया, आपने मुझे पहले भी मौका दिया है एक आध दो बार, और मैंने तब भी कहा था अपने कार्यक्रम में कि देश की जनता को भोली भाली कहने वाले जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अपनी भाषा को उन्हें देखना पड़ेगा कि देश की जनता भोली भाली नहीं है। जैसा कि आपने भी अभी बयान किया कि 2024 के आम चुनाव हुए 18वें जो लोकसभा के, तो उसमें उन्होंने साबित किया है। देखिए आपने 10 साल, पिछले 10 साल की बात नहीं हो रही, आप 2002 में जाइए पीछे, आप गुजरात को भी लीजिए, क्योंकि केंद्र में अगर ये जो सत्ता आई है मौजूदा बीजेपी की, तो ये आई है गुजरात मॉडल के बिना पर। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल जब कहा गया तो उसके पीछे जो सामने लाई गई थी बात, वो विकास को लेकर कहता है, गुजरात का विकास जो जैसा हुआ। अब हकीकत क्या थी वो सबको अब पता चल रही है कि गुजरात मॉडल क्या है, वो परतें अब खुल रही हैं। मतलब गुजरात मॉडल आखिर था क्या? हाँ, अब पता चल रही है, अब पता चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब रही अब जनता की बात, मैं नेताओं से भी ज़्यादा अब की जो स्थिति है, जो वर्तमान हमारी पॉलिटी है, जो हमारी पॉलिटी से मेरे अभिप्राय, जो राज व्यवस्था में जिस राज व्यवस्था में जी रहे हैं, इसमें जो लोकतंत्र को बचाने के लिए आम जन है, जन साधारण की जो भूमिका है, वो और भी ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है, और भी ज़्यादा नाजुक हो जाती है, और भी ज़्यादा सजग हो जाती है, या महत्वपूर्ण हो जाती है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए दावा किया जाता है कि अब ईवीएम के ऊपर खूब शोर मचा, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और कह रहे जी अब की जो अब सामने बातें आ रही हैं, नतीजे निकल गए, सब कुछ हो गया है, अब नतीजे सामने आ रहे हैं सारे के सारे। अब देखो सोशल मीडिया में देखो, मेरे बहुत सारे हैं, अभी 2-3 वीडियो मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो आप मैं अगर नाम लेता हूँ तो अशोक पांडे जी हैं, उनका है क्रेडिबल हिस्ट्री, उसके 2 वीडियो मेरे पास पड़े हैं, वो किस तरह से हेरा फेरी जो है वो रुकी नहीं है, ईवीएम के माध्यम से जो कुछ भी चक्र चला, यानी आप देखो कि देश के सभी राजनीतिक जो विश्लेषक थे, सेफोलॉजिस्ट थे, या और भी जो जानकारी रखते थे, सब के सब फेल हो गए। फेल हो गए, उसके पीछे वजह क्या रही? जीता कौन? जीती चालाकी, जीती बेईमानी, होशियारी, वो कैसे? ईवीएम के माध्यम से जो अब आ रही हैं बातें सारे। अब कोर्ट महमूद प्राचा एक एडवोकेट है, आपने नाम सुना होगा, महमूद प्राचा, यस, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। हाँ जी, अब वो उन्होंने तो मेरे ख्याल है उनकी भी एक वीडियो है मेरे पास, उन्होंने भी कहा कि हम ये सारे के सारा केस जो है अब जो कुछ घटा हुआ है, घटित हुआ है, उसको हम कोर्ट में लेके जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे वो, लेकिन वो इस ले। अब सवाल इस बात का है कि इसमें क्या तो करेगी नैतिकता, क्या करेगी जनता, जब जिसके हाथ में, तुलसीदास जी का ही है वो, समृत को नाहीं दोष को साईं, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में ताकत है वो अपनी मनमानी से कर रहा है, सब कुछ वो अपने तरीके से कर रहा है। अगर आज इलेक्शन कमीशन का आप भूमिका देखिए, नहीं, संविधान सम्मत नहीं हो रहा सारा कुछ। मैं क्या कह रहा हूं कि जिस देश में रूल नहीं होगा, कानून नहीं होगा, संविधान अपने आप ही मर जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब पढ़ी है, ये देखिए, ये अरिस्टोटल की लिखी है पॉलिटिक्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक ये किताब है, इसके अंदर भी यही चीज है, जहां जिस देश में कानून नहीं होगा वो संविधान मर गया, कहने की जरूरत नहीं है, ये इसमें मेंशन है। आपने बात करी कि भाई हो क्या रहा है, और जो कन्फ्रंट्रेशन है किस किस की है, सांप्रदायिकता एक शब्द आपने शायद नहीं यूज किया, मैं आपको बात बताता हूं, अलग अलग राज करने की, राज को मतलब सत्ता को काबिज होने के अलग अलग इज्म है, वाद है, कम्युनिज्म भी है जिसे साम्यवाद बोलते हैं, कम्युनलिज्म भी है जिसे सांप्रदायिकता बोलते हैं, लोकतंत्र भी है, डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और एक और कुलीन तंत्र भी है इसके साथ साथ, उसमें क्या है कि अल्पतंत्र होता है। ठीक है जी। तो कहने का मकसद, ऐसे बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सी तरीके हैं, लेकिन उस सब तरीकों का मकसद जो है वो एक है। कैसे? जब आप गुलाम होते हो
तो आप सिटीजन नहीं होते, नागरिक नहीं होते, तब आप सब्जेक्ट होते हो, गुलाम है, उसका अंग्रेजी शब्द है सब्जेक्ट, ठीक। और भारत नागरिक तो अब गुजरे इन्हीं सालों से 47 से बना है, उससे पहले तो ये सब्जेक्ट ही रहा है, गुलाम रहा है, गुलाम ही रहा है। तो इस जो हमारी स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता को इस टाइम सबसे ज्यादा खतरा हो गया है। मेरे पास एक और किताब है, मैं आपको एक छोटा ये रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। द एंड ऑफ इंडिया, ये स्वर्गीय खुशवंत सिंह जी हैं, उन्होंने लिखी है। यहां पर उनके इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने नेहरू को कोट करते हुए क्या कहा है, अब आप ये देखिएगा। वो कहते हैं, नेहरू वाज द फर्स्ट एंड प्रोबेबली द ओनली लीडर ऑफ द टाइम हु sensed that challenge to India's democracy would come not from communism but from a resurgence of religious fanatism. हमारे हिंदी के दर्शकों को भी, हाँ मैं हिंदी के दर्शकों को बता दूं कि उसने कहा है कि हमें साम्यवाद से इतनी चिंता नहीं है, लेकिन जो जो हमारा जो जो धर्म की कट्टरता जो सामने आएगी, ये सबसे बड़ी चुनौती डेमोक्रेसी के देश को इसकी, ये इसका लबोलवाब है जो मैंने कहा। सरदार खुशवंत जी ने कहा था है? ये नेहरू जी ने कहा है, नेहरू जी ने ये कहा था, और ये सरदार खुशवंत जी ने कोट किया है अपनी अपनी पुस्तक में, कोट किया हाँ, द एंड ऑफ इंडिया, इसमें ये मेंशन किया हुआ है। ये सब बातें हमारे पास है। हम ये कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए, बनाओ कोशिश करो, बनता है तो, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो मेरा सवाल आपसे है कि संविधान बदला जाएगा, तभी लोकतंत्र समाप्त होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो जो प्रियम्बल है, जो हमारा जो संविधान का जो जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, कहाँ से शुरू करोगे, वी द हिंदू या वी द पीपल? वो तो वी द हिंदू सही होगा फिर, ये आप कह रहे हो ना। ये एक सवाल मैंने किया था। वेद प्रकाश वेदी जी आज दुनिया में नहीं है, बहुत मशहूर और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वो पत्रकार रहे, और मुझे मौका मिला था यहाँ आपके लोधी हैबिटेट सेंटर में उनसे, उनसे मैंने ये सवाल किया था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, सपोज बन जाए, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, हमें कोई परहेज नहीं है किसी भी किसी चीज़ से भी, लेकिन सवाल ये है कि इस देश की जो रूह है वो क्या कहती है। संस्कृति, आपने बहुत शब्द सुना, संस्कृति किसे कहेंगे, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए हमें कम से कम हम डॉक्टर राधाकृष्णन को कोट करते हैं, भारतीय दर्शन उन्होंने कहा है, हमें वो पढ़ना चाहिए। हमें जो हमारी जो परंपरा एक किताब है वो ऐसी बुक लिखी गई है, बहुत अच्छे अच्छे राइटर लेखक ऑथर रहे हैं, उनसे पढ़ो, वो बताएंगे आपको। संस्कृति पहले समझनी पड़ेगी, परंपरा समझनी पड़ेगी, देश की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसको समझना पड़ेगा। हमारे देश का दर्शन बेशक बेशक अध्यात्मवाद पर आधारित है, लेकिन अध्यात्म को भी तो समझना होगा। हिंदू शब्द मान लिया, पारसी फारसी जिसने भी लाया, जहां से भी लिया, आपने बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उस शब्द को वो कहीं महदूद क्यों कर रहे हो इतना कि भाई वो चंद लोगों तक या एक एक जाति तक सीमित है, मतलब संकुचित नहीं किया जाना चाहिए, है ही नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी कई बार वक्तन पवक्तन ये दोहराते रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है, जो भारत में रहता है, वो सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, और इसमें किसी जाति धर्म के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए। जो भारत में लोग रहते हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो सब हिंदू हैं, और हमारा सबका डीएनए एक है। तो शर्मा जी, जब मोहन भागवत जी ये दावा करते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं या जो भारत में रहते हैं, जो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, वो सब हिंदू हैं, क्योंकि एक हिंदुस्तान में रहता वो हिंदू है, और यदि हम अपने प्राचीन काल की बात करें तो ये भी, या इतिहास की बात करें, ये भी सत्य है कि जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है, वो लोग भी हिंदू धर्म
हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर, यानी हिंदू ही मुस्लिम में, मतलब इस्लाम में कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने थे, तो फिर हमारा डीएनए एक है, खून एक है, संस्कृति एक है, खान पान एक है, भाषा एक है, तो फिर हमें बांटा क्यों जा रहा है? एक तरफ ये एक होने की भी बात करते हैं आप, और दूसरी तरफ जो है मैं बांटने में लगे हुए हैं वर्षों से। आप जो भी कहें, जिस तरह से भी कहें, मोटी बात ये है कि हिंदुइज्म और हिंदू तुम्हें अंतर जानना होगा, ठीक है जी। मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी दोनों की बातों में कौन सी सही है, नहीं किसकी सही है कौन सही है ये अलग, ये तो एक अपना अपना दृष्टिकोण है, अपनी अपनी बात समझने। गांधी ने हिंदुइज्म पे बहुत जोर दिया, गांधी जी ने, ठीक है जी, उन्होंने बताया भी है कि हिंदुइज्म क्या है, एक जीवन शैली है, किस तरह से क्या है। अगर हम आरएसएस का साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें आप हिंदुत्व की परिभाषा आप देखिएगा क्या क्या कही गई है, वो उसमें सावरकर जी को पढ़ लो और इन्हीं का भी पढ़ लो, इन अलग साहित्य है आरएसएस का, आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम होता है इस करके ज़्यादा उस खुलासे में नहीं जम जाते। हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों में अंतर है, हिंदुइज्म भारतवासियों के हैं और हिंदुत्व जो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भाई जो कुछ भी आप ये देखो कि कहाँ से शुरू हुई बात, 2010 के आसपास, वैसे तो पीछे चले जाते हैं हम, 98 में अगर जाएं तो धर्मांतरण से बात शुरू होती है, फिर उसके बाद आते हैं तो गोरक्षा की बात शुरू होती है, 2010 में मॉब लिंचिंग वगैरह सारी सामने आई, ये सब देखिए, मेरी बात सुनो, भारत देश एक है, मैंने आपसे क्या कहा हिंदू राष्ट्र बनता है, बनाओ, बनेगा तब जब ये संविधान बदला जाएगा। अब सवाल इस बात पे आता है कि क्या संविधान बदलना आसान है? प्रयास तो यही किए जा रहे थे जब ये नारा लग रहा था कि अब की बार 400 पार, और इसी के बाद तो जनता के कान खड़े हुए, देश की जनता के कान खड़े हुए, या उसमें ये भी कह सकते हो कि एससी एसटी ओबीसी या मुस्लिम सब के कान खड़े हो गए और उनको लगा यदि संविधान को बदल दिया, ये 400 सीट से पार चले गए तो ये संविधान को बदल देंगे। सवाल मैं तो और वो कथित हिंदू राष्ट्र को ये ले आएंगे, संविधान को बदल कर मनुवादी संविधान लागू कर देंगे, उसी डर से शायद ये बदलाव दिखा है 2024 के। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक, मैं अपने दर्शकों से पहले भी कह चुका और अब फिर कहना चाहूँगा कि जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो ज़्यादा कामयाब होनी नहीं है और ना ये इतने ठीक है, इसका नई प्रौद्योगिकी है जिसे हम टेक्नोलॉजी उसका फायदा उठा सकते नहीं, हैं। पक्ष में और विपक्ष में दोनों बातें होती हैं, पक्ष विपक्ष, आप ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब अनुपात बिगड़ता है, अनुपात जिस चीज़ के बिगड़ जाएगा, अगर आपके खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया तो स्वाद यानी खाना बेकार हो गया। अनुपात की बात करिए, प्रौद्योगिकी का अनुपात अगर ठीक है उसके सदुपयोग का तो प्रौद्योगिकी ठीक है, और अगर प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग हो रहा है ज़्यादा, अनुपात बिगड़ गया तो ये खतरनाक है, पॉल्यूशन, जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है उसका ये भी बड़ा कारण है, वो एक अलग मुद्दा है, करने वाले कौन है, आज वो ही सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, ये सारी बातें आ जाती हैं दोहन पर, तीन तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मेन तीन तरह के संसाधन जिन्हें हम बोलते हैं, बेसिक संसाधन में आदमी खुद आता है, मैं और आप हैं, ये सामने हमारे कैमरामैन है, जो ह्यूमन बीइंग है वो बेसिक रिसोर्स में आता है, ग्रेट रिसोर्स में आती है एजुकेशन, और जो खनिज और दूसरे तीसरे ये नेचुरल रिसोर्सेज में है, इन तीनों का दोहन लंबे अरसे से हो रहा है। मैं किसी एक राजसत्ता पे बात नहीं कह रहा, इन तीनों संसाधनों का दोहन ताकतवरों ने किया, हमेशा किया है अपने फायदे के लिए। नहीं तो हिंदुस्तान की डिस्पैरिटी देखो ना, हमने बात शुरू करी थी लोकतंत्र से, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि चार प्रकार का लोकतंत्र है, कभी मौका मिलेगा फिर बात करेंगे। तो चार प्रकार के लोकतंत्र में पहले लोकतंत्र की से है कि आप अमीर और जो गरीब है उसको सुविधाओं में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, और यहां हो क्या रहा है, और यहां पॉलिटिक्स में जैसे मैंने अरिस्टोटल की बात करी, अरिस्टोटल लिख रहे हैं कि जब कानून नहीं होगा जिस देश में तो संविधान मर गया,
तो कानून अगर अपनी मर्जी से, ताकतवर कानून अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है तो संविधान के अपने आप में कमजोर पड़ गया। नहीं, आपने जो अभी बैलेंस की बात की थी, तो गरीबों और अमीरों के बीच में भी बैलेंस होना चाहिए, एक बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। आपने कोविड में कितना बैलेंस देखा था सबके सामने? वो बैलेंस नहीं था, होना चाहिए था क्या? बिल्कुल होना चाहिए था। तो फिर कहाँ गया वो बैलेंस? गरीब लोग तो ऐसे मर रहे थे, पूछो मत, रूह कांपती है उस मंजर को। और उसमें ये मिडिल क्लास, हम भी शामिल हैं और आप भी शामिल हो जी, मिडिल क्लास ने दी है गवाही इस चीज की, मुंह को के। और ये मत समझे मिडिल क्लास कि ये मौका आने पर इसको कोई बख्श देगा। पहले हम मूल विषय की तरफ जो हमारा था उसकी, मैं मूल पे ही हूं, मैं मूल पे ही हूं। यानी लगभग 30 करोड़ हैं इस देश में, लगभग मिडिल क्लास के लोग, और ये क्या चाहते हैं? सबसे कंफर्टेबल क्लास अपने आप को मानते हैं, ये अमीरों से भी रिश्ता रखना चाहती है, अमीरों के आकाओं से भी रखना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि जिस लोकतंत्र की हम दुहाई देते हैं वो कहीं ना कहीं लचर उसमें आ चुका है। अब इसको बचाने का काम, मैं आपको फिर कह दूं, मुझे कोई नेताओं के भाषणों से इधर उधर से कोई लेना देना नहीं, जनता जागेगी। अगर लोकतंत्र जिंदा रखना है तो जनता को ही जागना होगा, उसे ही सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उसके मत की, उसके उसके जो एक जो वोट देता है उसकी क्या कीमत, उसकी कीमत क्या है, और उसके वोट की कीमत ही जो वोट है वही संविधान को बचा सकता है। हाँ, देश को बचा सकता है, देश को बचा सकता है। यानी देश, देखिए राष्ट्र की बात करो, देश की बात करो, संविधान की करो, किसके लिए है सब कुछ? जनता के लिए। जब जनता ही कहीं ना कहीं विभाजित हो जाएगी, समाज ही विभाजित हो जाएगा खुदगर्जी के उसमें आकर, तो बाकी क्या बचेगा? कौन किस पर हुकूमत करेगा? सबसे बड़ा सवाल सिर्फ आज भी ये देखो कि आज जो सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम पे रिजल्ट निकला है, सरकार बन गई, चल रही है, सब कुछ है, लेकिन फिर क्यों उठ गया सवाल? सबसे बड़ी बात ये है। तो उस पर तो जो है कोई FIR की भी कई करने की बात चल रही है सर, वो सब बातें अलग है। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष की हिम्मत है खुल के सामने आ रहा है कि भाई ये क्यों हो रहा है? उठा रहे हैं तो जो महमूद पराचा जैसे वकील हैं, यही लोग ज्यादा उठा रहे हैं, इन्हीं का। हाँ, तो विपक्ष चलाया हुआ अभियान है जिस बात की आप दुहाई दे रहे थे। यानी हमें कई बार इस बात का मनन, चिंतन मनन की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है कि विपक्ष के, हम सरकार बदलने की बात करते हैं, जरूर बदलो भाई, विपक्ष में भी तो कुछ ना कुछ आवाज इक्का दुक्का। सिर्फ मैंने एक दो बार या प्रियंका गांधी जी का और इनका राहुल गांधी जी के एक दो बार सुना है ईवीएम के ऊपर, रेस्ट ऑफ दी जो अपोजिशन लीडर है मैंने कभी किसी की आवाज़ नहीं सुनी ज़्यादा। अब हो सकता है मेरे से भी कई चूक हो गया, मैं भी 24 घंटे तो नहीं बैठा रहता, लेकिन आमतौर पर जो आकलन मैंने जो किया अभी तक, बहुत सारे देखे हैं वीडियो, उसमें ज़्यादा आवाज़ उठ ही नहीं रही इस बार। नहीं नहीं, हम जो है समाप्ति की ओर ले चलते हैं अपने विषय। जी हाँ जी हाँ, कि जो पिछले 10 साल गुजरे, चाहे वो हिंदुत्व का जो मुद्दा को इतनी हवा दी गई, या कुछ संगठन थे बजरंग दल या जैसा आपने कहा गौरक्षा दल, या बहुत सारे ऐसे संगठन बना दिए गए, अनेक जिनके नाम मुझे भी नहीं याद है, इतने दल बना दिए गए, और एक ऐसा लगा कि समाज को बांट दिया गया है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है पूरे 10-15 सालों से ये चल रहा, तो पिछले 10 साल के शासनकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं, उसकी क्या उपलब्धियां हैं और क्या असफलता है, इस मुद्दे को संक्षिप्त में आप वर्णन करें भाई। देखिए गौतम साहब, आप मुझसे सीनियर हैं, मैं आपको बताऊं, संक्षिप्त में कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत विस्तृत ये विषय है, मैं आपको बात बताता हूं, पर मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसका जो संगठन है, जो शील्ड है, जो राजनीतिक शील्ड है, वो BJP है। ठीक है जी, अब पीछे क्या क्या डिफरेंसेस अब थोड़े बहुत सामने आए हैं, मैं इसको नूरा कुश्ती मानता हूँ भाई, मोहन भागवत जी ने क्या कह दिया, इंद्रेश जी ने क्या कह दिया, एक और हैं बड़े इनके, उन्होंने भी बयान दिया है अहंकार और दूसरे तीसरे इसके ऊपर कि अहंकार करने वाला जो है वो सेवक नहीं हो सकता वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, लेकिन ये सब नूरा कुश्ती। क्या होगा, हुकूमत चल रही है,
मतलब हकीकत में कोई मतभेद नहीं है, सम्मिलित जुली सरकार का एक वर्ड है कैमोफ्लेज, तो वो एक आवरण आप कह लो एक चलता है। ये सब बातें छोड़ दीजिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि कुल मिलाकर अगर वो देश के नागरिक सजग है और अपने छोटे या बड़े लालच को त्यागने की हिम्मत रखते हैं तो इन्हें सजग होना पड़ेगा। और कोई भी हो हकुमत, हम किसी की फेवर नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं हकुमत वो करे जो कर सकता, जो देश हित में हो, जो देश हित में हो। अगर गिने चुने एक वो भी किसी खास वर्ग के लिए ना करे, किसी मुझे एक बात बताओ, चलो हिंदू के ऊपर, मैं हिंदू क्या इंसानियत से बढ़कर है? कोई भी हो बिना इंसानियत को अपनाए तो कोई समाज चल ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता, ना देश बढ़ सकता है। और पूरे और विश्व इंसानियत ही धर्म है। पूरे विश्व में हिंदू की संख्या कितनी है जनाब? हार्डली 15%, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, और बाकी 85% है। तो वो मानवता के दायरे से बाहर आ जाएंगे क्या? देखिए मानवता की जो बात कर रहे हैं, जो मानवता है वो ही देश को भी जोड़ने का और विश्व को भी जोड़े रखने का सबसे बड़ा मजबूत तरीका है। सबसे देखिए मैं आपको बात बताता हूं, मानवता के बिना समाज जिंदा ही नहीं रह सकता, और जो मानवता के खिलाफ कार्य करते हैं उन्हीं की वजह से अराजकता का माहौल आता है। इस विषय को मैं आज बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता, और ये तीन चार चीज़ें मैं आपके सामने इसको अंत कर रहा हूँ। 1971 से लेकर और 1989 तक के जो नारे लगे, जो पांच चुनाव हुए और उसके बाद जो नारे लगे, अब 1971 में नारा लगा रिमूव पावर्टी, गरीबी हटाओ, ठीक है। 1977 में एंड एमरजेंसी, आपातकाल को समाप्त करो, ठीक है जनाब। 1980 में लगा ब्रिंग बैक स्टेबिलिटी, स्थिरता लाओ, ठीक है जी। 1984 में सेव द कंट्री, जब असैसिनेशन हो गया इंदिरा गांधी जी का तो उनको कहा देश बचाओ, ठीक है जनाब। आइए 89 के अंदर क्या लगा, एंड करप्शन, भ्रष्टाचार को समाप्त करो। ये वो नारे हैं जो 50 साल पहले लगे थे और 50 साल के बाद भी वही नारे लग रहे हैं, नारे वही हैं, हम उसी के आसपास घूम रहे हैं। अभी कृष्ण पाल गुर्जर जी ने अभी पीछे कहा था एक स्थिर और स्टेबल, जिसे कहते हैं मजबूत सरकार, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कब का नारा है जो ब्रिंग बैक स्टेबिलिटी? 1980 का नारा है, 45 साल पहले का। तो ऐसा शक क्यों हो गया? जनता सरकार के बाद इंदिरा जी पुनः जो सत्ता में लौटी थी। मैं ये कह रहा हूं कि अब तक इन्हें ये शक क्यों है कि देश में जो भी सरकार आ रही है वो स्टेबल नहीं है, मजबूत नहीं है? 45 साल पहले का नारा आज रिपीट हो रहा है, 50 साल पहले के नारे रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब जनता वहीं की वहीं है। और जो कुछ इन्होंने अपने हिसाब से, जो राजनीतिक दल है इन्होंने अपने हिसाब से करना है। मैं आपसे फिर अर्ज आपके प्रोग्राम के माध्यम से यही करना चाहूँगा आपके दर्शकों को, और बड़े विनम्र निवेदन से, मेरा एक ये जाति वो है कि जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे, देखो फॉरेन कंट्री के अंदर डिग्री वाला जरूरी नहीं है कि डिग्रियां जिनके पास है वो किताबें लिखे, IAS अफसर जो रिटायर्ड होगा या सर्विंग होगा वो किताब लिखेगा, या कोई बड़ा बहुत बड़ा पत्रकार होगा वो किताब लिखेगा। किताब वो लिख सकता है जिसके पास जीवन का अनुभव है, जो अपने अनुभव को कहीं पर भी जो है उसको प्राप्त करता है वो लिख सकता है। तो कहने का मकसद ये एक रुचि है, ये एक अपना झुकाव है, आप अध्ययन करो। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हाय तोबा मची हुई है, ऊहापोह मची हुई है, ये कुछ ज़्यादा देने वाली नहीं है। आप इस प्रौद्योगिकी का जितना एडवांटेज ले सकते हो ले लो, उतना एक हद तक, लेकिन बाकी जो है वो आपको एक नियमित अध्ययन के ऊपर पता चलेगा देश की राजनीति क्या कहती है, देश का लोक व्यवस्था क्या कहती है। मैं समाप्त आज के अपना जो कार्यक्रम है उसको समाप्त करने से पहले जी जी मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता जो और सामाजिक न्याय बनाम कथित राष्ट्रवाद और कट्टरता के बीच लड़ाई चल रही है, और पिछले 10 सालों में किसी हद तक देश की जनता इस झांसे में आई भी, और वो लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मुद्दे को छोड़कर कथित राष्ट्रवाद और कट्टरता के दौर में चली गई, जिससे कि हमारे देश को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और बहुत देर बाद संभवतया देश की जनता को ये समझ में आया कि संविधान के अनुसार ही
देश चलेगा। सामाजिक न्याय का नारा ही देश को बचा सकता है। लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता ही हमारे लोकतंत्र हमारे देश का संविधान का मूल मंत्र है। इसी के आसपास रहकर ही मैं एक बात सिर्फ एक हम मतलब देश में समानता स्थिरता को बनाए रख सकते हैं, सबके हितों की रक्षा कर सकते हैं। देखिए मैं एक बात और भी अपने दर्शकों से साझा करना चाहता हूं। केवल मात्र आलोचना से कोई फायदा नहीं है कि भाई एक्स पार्टी ठीक है और वाई गलत है, वो गलत है, ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने विचार को थोड़ा सा ब्रॉड करो, सामने लाओ कि हमारे देश, हम नागरिक हैं देश के, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल जो है, गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान को ही उन्होंने सरकार माना है। और आपको ये मैंने अब फिर कह रहा हूँ, इसी किताब में पॉलिटिक्स में ही लिखा हुआ है कि जब कानून जिस देश में मरता है धीरे धीरे खत्म होता है तो संविधान ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। आप अपने इर्द गिर्द निगाह मारो कि कितना जो है देश, जो है देश में जो कानून है वो कितना सुदृढ़ और कितना कितने हिसाब से जो है वो चल रहा है, ये खुद निगाह मारो, उसके ऊपर आकलन करो, फिर लिखो, फिर समझो, फिर बात करो, तब ये बात है। एक इधर से सुनोगे उधर से सुनोगे उसका कोई फायदा नहीं, हम कह देंगे कोई और कह देगा, एक दूसरे के ये ओवरलैप होते हैं, इसको छोड़ो, आप पढ़ो समझो और आप खुद जानो जो कुछ है। दो किनारे हैं, यानी अगर कट्टरता धर्म जैसे धर्मांधता कह लो, कट्टरता कह लो, जो ये अलग अलग एक सोच है, दो नदी के दो किनारे हैं, एक इधर है एक इधर है, ये मिल नहीं सकते किसी कीमत पर भी। हाँ, जो राजनीति है इसमें लाभ जो है वो अपने मौके को देख के वो उठाते रहते हैं, वो बात है, लेकिन जो विचारधाराएं हैं ये दो दो धाराएं अलग हैं। धर्म के नाम पर 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बना, तो क्या पाकिस्तान के लोकतंत्र की जगह इस्लामिक पद्धति को या इस्लामिक कंट्री बनाना, उससे क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान वो टूट के कगार पर है, भूख के कगार पर है, भूखों मर रहे हैं। पाकिस्तान की इतनी दुर्दशा है कि यदि कोई इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर राष्ट्र को बना ले तो क्या वहाँ पर इतनी खुशहाली आ जाएगी? इस्लाम के नाम पर राष्ट्र बनाने पर या राष्ट्र बनने पर पाकिस्तान की क्या दुर्गति हुई है? क्या हम हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या देश को पाकिस्तान वाली स्थिति में ले जाना चाहते हैं? तो हमें इन मुद्दों पर बातचीत करनी होगी और धर्म के आधार पर जो है देश का जिस तरीके से बंटवारा हुआ, हम फिर एक बार धर्म का बंटवारा और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करके अपने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी सामाजिक व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। तो ये बातें देश हित में नहीं है। देश संविधान से ही चलेगा, तभी राष्ट्र एकमुट रह सकता है, एक रह सकता है। वरना 1947 की तरह यदि हम धर्म के आधार पर काम करने लगे, लड़ाई झगड़े करने लगे, तो फिर ऐसा दुष्स्वप्न कहीं हमें फिर ना देखना पड़े कि देश में फिर बंटवारे की नौबत आ जाए। तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की ही ज़रूरत है, सामाजिक न्याय वाले राष्ट्र की ही ज़रूरत है। इससे हटकर हमें और कुछ सूट करता नहीं है, और संविधान के रास्ते पर चलेंगे तो ही हम राष्ट्र को बचा पाएंगे। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपने विचार रखे, हमारे दर्शकों ने आपको देर तक सुना, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रों हमारे जो दर्शक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर चर्चा पर, कि राष्ट्र को हमें किस रास्ते पर ले जाना है, हमें किसी पार्टी विशेष के झांसे में नहीं आना है, बल्कि हमारे सामने देश प्रमुख है, देश का संविधान प्रमुख है, इसके साथ जो न्यायकर्ता इसके आधार पर जो देश को चलाता वही सही है। वो पार्टी ए हो, बी हो या सी हो, देश की जनता को इसमें नहीं भटकना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन की एक लाइन, मतलब उनके भारतीय दर्शन उन्होंने वॉल्यूम लिखे हैं दो, तो उसमें एक मिलता है मेरे पास, दोनों वॉल्यूम है। एक पहले वॉल्यूम में लिखा गया है
कि मानव द्वेषी कोई समाज होगा और विवेक द्वेषी जो समाज होगा वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। मानव द्वेषी और विवेक द्वेषी, अपने इर्द गिर्द झांक के देखो कि क्या हो रहा है। बस हमारी इल्तजा ये है। नमस्कार। तो आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त हुआ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।